चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष क्या बने, सतीश पूनिया के समर्थकों ने बीजेपी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समर्थकों ने आलाकमान को सतीश पूनिया की वफादारी याद दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सतीश पूनिया किसान नेता है, जाट चेहरे हैं, बीजेपी प्रदर्शन में हमेशा आगे रहे हैं, यहाँ तक कि कितनी बार उन्होंने गहलोत की पुलिस की लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं और आलाकमान ने उनकी वफादारी का उन्हें ये सिला दिया। पूनिया के चाहने वालों ने अपने नेता के लिए इतने ट्वीट किए कि सतीश पूनिया में क्या बुराई थी, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। ये पहला ट्वीट देखिए जिसमें मन्नू चौधरी नाम के यूजर ने लिखा कि 3 साल तक पिछड़ा वर्ग से आने वाले पूनिया जी को यूज कर चुनाव के महत्वपूर्ण समय से पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजस्थान का पिछड़ा वर्ग व जाट समाज पूछता है पूनिया में क्या बुराई थी। तो वहीं दिनेश नाम के यूजर ने कहा कि काको तो एक नंबरी ही है, रोगली और दो नंबरी तो बीजेपी है, हैशटैग पूनिया में क्या बुराई थी। तो वहीं रोशन दूत नाम के यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का लाभ उठाते हुए सतीश पूनिया बने राजस्थान के पहले अग्निवीर। कोमल नाम के यूजर ने लिखा कि भोले किसान तू क्यों फालतू में संघर्ष करता है, तेरे संघर्ष की मलाई कोई और खाता है। आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, ये बीजेपी कभी किसान हितेशी नहीं होगी। तो वहीं ओबीसी एकता मंच ने लिखा पूनिया में क्या बुराई थी, भाजपा के शीर्ष से पूछ रहे हैं युवा। वहीं एक यूजर ने लिखा कि किसान विरोधी कांग्रेस व बीजेपी को हराने के लिए अब की बार तीसरा विकल्प ढूंढना होगा, वरना ये किसानों पर ऐसे ही अत्याचार करेंगे। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि पार्टी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन शहीद दिवस के मौके पर एक किसान के बेटे को शहीद कैसे होने दे सकते हैं? मान लेते हैं पार्टी का फैसला है, लेकिन उनकी पार्टी के ही विभीषणों से लड़ते हुए आज तक डटे रहे, लिखो दिल से पूनिया में क्या बुराई थी। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि मुझे पहले ही लग रहा था सतीश पूनिया जी के साथ सचिन पायलट जी जैसा सौतेला व्यवहार होगा, और वही हुआ। जिस इंसान ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा मदद की एवं अकेला खुद विपक्ष बनकर लड़ रहा था, आज उनको ही पार्टी ने अध्यक्ष पद से हटा दिया। तो एक यूजर ने लिखा कि ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा, सियासत अपनी चालों से कब तक किसान के बेटों को छलता रहेगा, अब समय आ गया है परिवर्तन का, राजस्थान मांगे जाट सीएम। तो वहीं जैकी नाम के यूजर ने लिखा राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी बन गए हैं, सतीश पूनिया को हटा दिया गया है। ये वही सीपी जोशी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मोदी जी को श्री राम और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शबरी बताया था, हैशटैग पूनिया में क्या बुराई थी। ऐसे तमाम ट्वीट इस वक्त ट्विटर पर छाए हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष के रूप में सतीश पूनिया अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे और उन्हें एक्सटेंशन भी दे दिया गया था। करीब करीब तय था कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव तक पूनिया ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले राजस्थान संगठन में बड़ा बदलाव कर सबको चौंका डाला और संघ के नजदीकी माने जाने वाले सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप डाली। बताया जा रहा है कि पूनिया को अब राष्ट्रीय संगठन में जगह मिल सकती है। राजस्थान बीजेपी में सीएम फेस की लड़ाई के बीच संगठन में इस बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू होने लगी हैं। सियासी जानकार भी इसके मायने निकाल रहे हैं। इसी के साथ अब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी जल्द होने के आसार है। आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।